नमस्कार दर्शकों, न्यूज टुडे के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है, जहां हम चर्चा और विश्लेषण करते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों का। आज की मुख्य सुर्खियां इस प्रकार हैं। कूटनिरपेक्ष आंदोलन यानी NAM ने क्यूबा को संयुक्त राज्य अमेरिका की स्टेट स्पॉन्सर्स ऑफ टेररिज्म सूची से हटाने की मांग की। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी UNSC की बैठक में राज्य प्रायोजित आतंकवाद पर चिंता प्रकट की। माइक्रोसॉफ्ट क्राउड स्ट्राइक आउटेज के कारण दुनिया भर में सूचना प्रौद्योगिकी यानी IT सिस्टम प्रभावित हुए। लिडार यानी LIDAR तकनीक में चीन के प्रभुत्व से दुनिया भर में राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी चिंताएं बढ़ गई हैं। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव यानी GTRI ने भारत में वस्त्र एवं परिधानों के आयात में लगातार वृद्धि पर चिंता जताई है। प्रधानमंत्री ने भारत मंडपम में विश्व धरोहर समिति यानी WHC के 46वें वार्षिक सत्र का उद्घाटन किया। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और रुक करते हैं आज की पहली मुख्य खबर की ओर। गुटनिरपेक्ष आंदोलन यानी NAM ने क्यूबा को संयुक्त राज्य अमेरिका की स्टेट स्पॉन्सर्स ऑफ टेररिज्म सूची से हटाने की मांग की। अमेरिका की स्टेट स्पॉन्सर्स ऑफ टेररिज्म की एक पक्षीय सूची में वे देश शामिल होते हैं जो कथित तौर पर अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद को प्रायोजित कर रहे हैं। ऐसी सूची में शामिल देशों को अमेरिका द्वारा लागू एकतरफा आर्थिक, वाणिज्यिक और वित्तीय प्रतिबंधों का सामना करना पड़ता है। क्यूबा के अलावा उत्तर कोरिया, ईरान और सीरिया भी इस सूची में शामिल है। आपको बता दें, क्यूबा के पक्ष में NAM का रुख ग्लोबल साउथ के देशों के लिए इसके महत्व को दर्शाता है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की उत्पत्ति 1955 के एशिया अफ्रीका सम्मेलन से मानी जाती है। यह सम्मेलन बांगडुंग इंडोनेशिया में आयोजित हुआ था। NAM का पहला सम्मेलन 1961 में बेलग्रेड में आयोजित हुआ था, जो वर्तमान में सर्बिया में स्थित है। आपको बता दें कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच शीत युद्ध शुरू हो गया था। इस दौरान विश्व के कई देश अमेरिका व सोवियत संघ के नेतृत्व में अलग अलग गुटों में बट गए थे। हालांकि भारत जैसे कुछ नव स्वतंत्र देशों ने किसी भी गुट में शामिल ना होने का निश्चय किया। तब इन देशों ने मिलकर NAM की स्थापना की थी। इसका उद्देश्य एक नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था स्थापित करना था। आगे बढ़ते हैं और ग्लोबल साउथ के लिए NAM की वर्तमान प्रासंगिकता के बारे में जानते हैं। पहला है सामूहिक अभिव्यक्ति। NAM के सभी 120 सदस्य ग्लोबल साउथ से हैं। इस तरह यह मंच अलग अलग मुद्दों पर इन देशों की सामूहिक आवाज के रूप में कार्य करता है। दूसरा है नई शक्ति प्रतिस्पर्धा का विकल्प। रूस यूक्रेन युद्ध ने शीत युद्ध जैसी भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा पैदा कर दी है। इससे ग्लोबल साउथ के लिए गुटनिरपेक्ष और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व अधिक महत्वपूर्ण हो गए हैं। साथ ही यह यथार्थवादी शासन पद्धति पर बल देता है। NAM सदस्यों को निर्णय लेने में स्वायत्तता और अपने देश के सर्वोत्तम हितों में कार्य करने के लिए लचीलापन प्रदान करता है। आसियान, ब्रिक्स, अफ्रीकी संघ और G77 जैसे समूह NAM सदस्यों के प्रभुत्व वाले समूह हैं। ऐसे समूहों ने NAM के कुछ एजेंडे अपनाए हैं, जैसे बहुपक्षीय संस्थानों में सुधार की मांग करना आदि। आइए बढ़ते हैं अगली मुख्य खबर की ओर। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC की बैठक में राज्य प्रायोजित आतंकवाद पर चिंता प्रकट की। भारतीय प्रतिनिधि ने अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने में संयुक्त राष्ट्र तथा क्षेत्रीय और उपक्षेत्रीय संगठनों के बीच सहयोग पर अपना पक्ष प्रस्तुत किया। इस दौरान भारतीय प्रतिनिधि ने कुछ देशों द्वारा आतंकवाद को राज्य नीति के साधन के रूप में इस्तेमाल करने पर चिंता प्रकट की। राज्य प्रायोजित आतंकवाद यानी स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म एक ऐसा टर्म है जिसका उपयोग तब किया जाता है जब किसी आतंकवादी समूह को किसी राज्य या सरकार से समर्थन प्राप्त होता है। ये समर्थन आतंकवाद के वित्त पोषण, प्रशिक्षण, हथियारों की आपूर्ति, अपनी क्षेत्रीय सीमाओं के भीतर आतंकवादियों को आश्रय प्रदान करने आदि के रूप में हो सकता है। ऐसे में सवाल ये आता है कि कुछ देश राज्य प्रायोजित आतंकवाद का सहारा क्यों लेते हैं। इसका पहला कारण है देशों के बीच भू राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता। उदाहरण के तौर पर समझे तो शीत युद्ध के दौर में अमेरिका और सोवियत संघ ने एक दूसरे के हितों के विरोधी आतंकवादी समूहों को प्रायोजित किया था। दूसरा कारण है क्षेत्र को लेकर विवाद। उदाहरण के तौर पर समझे तो पाकिस्तान द्वारा जम्मू कश्मीर में हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर-ए-तैयबा जैसे आतंकवादी समूहों को प्रायोजित करना। और तीसरा है नृजातीय और धार्मिक समर्थन। उदाहरण के तौर पर देखें तो ईरान ने सीरिया में सक्रिय आतंकवादी समूहों को बढ़ावा दिया है। इनमें हिजबुल्ला शामिल हैं, जो लेबनान में सक्रिय शिया मुस्लिम आतंकवादी समूह है। आतंकवाद को राज्य नीति के एक साधन के रूप में इस्तेमाल करने के लिए जिम्मेदार कारक और प्रभावों को भी समझते हैं।
आतंकवाद से निपटने के लिए सर्वसम्मति और एकीकृत वैश्विक कार्रवाई का अभाव है। उदाहरण के तौर पर देखें तो प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक कन्वेंशन पर संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों के बीच सर्वसम्मति का अभाव है। यह क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा के लिए खतरा है। आतंकवादियों को पनाह देने वाले कई देशों के पास परमाणु हथियार और सामूहिक विनाश के हथियार भी मौजूद हैं। इन हथियारों के आतंकवादियों के हाथों में जाने का खतरा भी बना हुआ है। ऐसे में क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा भी खतरे में पड़ सकती है। इसके अलावा कुछ अन्य कारक भी हैं, जैसे कि धार्मिक कट्टरता, राजनीतिक अस्थिरता आदि। आखिर में राज्य प्रायोजित आतंकवाद से निपटने के लिए किए गए उपायों पर भी एक नजर डालते हैं। पहले समझते हैं वैश्विक स्तर पर किए गए उपायों के बारे में। इस ओर पहला है वित्तीय कार्रवाई कार्यबल यानी FATF। ये वैश्विक धन शोधन यानी मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्त पोषण को रोकने वाली संस्था है। दूसरा उपाय है UNSC का संकल्प 1267। ये आतंकवादी संगठनों से जुड़े ऐसे व्यक्तियों और समूहों की एक वैश्विक सूची है जिनके खिलाफ प्रतिबंध लगाया जाता है। और तीसरा उपाय है संयुक्त राष्ट्र आतंकवाद रोधी केंद्र। ये आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देता है, साथ ही वैश्विक आतंकवाद रोधी रणनीति को लागू करने में सदस्य देशों का समर्थन करता है। आखिर में समझते हैं भारत द्वारा किए गए उपायों को। वित्तीय आसूचना एकक भारत को भारत ने स्थापित किया है। ये संदिग्ध वित्तीय लेन देन से संबंधित जानकारी की जांच करने और उसे प्रसारित करने के लिए जिम्मेदार है। साथ ही सामूहिक विनाश के हथियार और उनकी आपूर्ति प्रणाली गैर कानूनी गतिविधियों का निषेध अधिनियम 2005 बनाया गया है। चलिए अब बढ़ते हैं आज के अगले मुख्य खबर की तरफ। माइक्रोसॉफ्ट क्राउड स्ट्राइक आउटेज के कारण दुनिया भर में सूचना प्रौद्योगिकी यानी IT सिस्टम प्रभावित हुए। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सिस्टम के लिए फाल्कन सेंसर कॉन्फ़िगरेशन अपडेट के दौरान लॉजिक एरर के कारण आउटेज हुआ था। इस आउटेज की वजह से सिस्टम क्रैश हो गया और ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ यानी BSOD की स्थिति उत्पन्न हो गई। इसने स्वास्थ्य सेवा और बैंकिंग जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों की कार्य प्रणाली को प्रभावित कर दिया था। आपको बता दें, ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ यानी BSOD विंडोज आधारित पर्सनल कंप्यूटर पर एक क्रिटिकल एरर स्क्रीन है। इसमें कंप्यूटर कार्य करना बंद कर देता है और ब्लू स्क्रीन पर एरर का मैसेज दिखता है। वहीं RBI के एक आकलन के अनुसार भारत में 10 बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों यानी NBFC को इस वैश्विक आउटेज के कारण मामूली व्यवधान का सामना करना पड़ा था। अब महत्वपूर्ण सेवाओं पर IT आउटेज के प्रभाव की बात करें तो इसमें पहला है आर्थिक व्यवधान। इसमें वित्तीय बाजारों में लेन देन में रुकावट आती है। क्लाउड सर्विसेज पर निर्भर व्यवसायों को थोड़ी देर के लिए बंद करना पड़ता है आदि। उदाहरण के लिए 2021 में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE में बड़े आउटेज के कारण लगभग 4 घंटे तक कारोबार रुका रहा था। दूसरा है स्वास्थ्य देखभाल सेवा पर प्रभाव। टेलीमेडिसिन सेवाओं में व्यवधान आता है। डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड से डेटा प्राप्त करने में परेशानी आती है आदि। उदाहरण के लिए 2017 में यूनाइटेड किंगडम के अस्पतालों में सिस्टम पर WannaCry रैंसमवेयर साइबर अटैक के कारण लगभग 19,000 अपॉइंटमेंट्स रद्द कर दी गई थी। सरकार के कामकाज और सुरक्षा व्यवस्था पर प्रभाव को उदाहरण के तौर पर देखें तो इसमें NPCIL द्वारा संचालित कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र में 2020 में साइबर हमले की वजह से उसकी सुरक्षा प्रभावित हुई थी। अन्य क्षेत्रों को पर भी इसके प्रभाव हैं, जैसे कि संचार नेटवर्क प्रभावित होता है, स्मार्ट ग्रिड में व्यवधान उत्पन्न होने से बिजली आपूर्ति प्रभावित होती है आदि। भारत में डिजिटल अवसंरचना के समक्ष खतरे की बात करें तो आयात पर अधिक निर्भरता होना एक प्रमुख खतरा है। खासकर भारत IT हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के लिए आयात पर अत्यधिक निर्भर है। किन्हीं वजहों से इनके आयात में व्यवधान आने पर इनकी आपूर्ति श्रृंखला बाधित हो सकती है। दूसरा है अधिक डिजिटल फुटप्रिंट लेकिन कम डिजिटल साक्षरता। केंद्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBWE की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में बड़ी संख्या में लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं। हालांकि भारत में केवल 38% परिवार डिजिटल रूप से साक्षर हैं। इसका अर्थ है कि वे ऑनलाइन धोखाधड़ी से अनजान होने के कारण इसके शिकार हो सकते हैं। अगला है किसी अन्य जगह पर डेटा सुरक्षित रखने की व्यवस्था नहीं होना। इसमें डेटा के बैकअप की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने के कारण और एक ही सिस्टम में सभी डेटा स्टोर करने से खतरा बढ़ जाता है। सिस्टम फेलियर की स्थिति में उस डेटा को प्राप्त करना मुश्किल हो जाता है। अन्य प्रभावों को देखें तो कई देशों की सरकारें दुश्मन देशों के IT सिस्टम पर साइबर हमले करवाती हैं। मजबूत साइबर सुरक्षा प्रोटोकॉल की कमी है आदि।
अंत में डिजिटल अवसंरचनाओं की सुरक्षा के लिए उठाए गए कदम भी जान लेते हैं। पहला है संस्थागत उपाय। राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र यानी NCIIPC, रक्षा साइबर एजेंसी यानी DCA, CERTIN जैसी संस्थाओं की स्थापना की गई है। दूसरा है कानूनी उपाय, डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 लागू किए गए हैं। और आखिरी है नीतिगत उपाय, राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति 2013 जारी की गई है आदि। इसी के साथ रुख करते हैं अगली मुख्य खबर की ओर। लिडार तकनीक में चीन के प्रभुत्व से दुनिया भर में राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी चिंताएं बढ़ गई हैं। वर्तमान में लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग यानी लिडार तकनीक का मुख्य उपयोग ऑटोनॉमस वाहनों में किया जाता है। हालांकि भविष्य में वाणिज्यिक और सैन्य दोनों क्षेत्रों में इसके व्यापक रूप से उपयोग किए जाने की संभावना जताई जा रही है। लिडार दोहरे उपयोग वाली ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग तकनीक है। ये तकनीक दूरी को मापने और आसपास के वातावरण की मैपिंग के लिए पल्स आधारित लेजर के रूप में प्रकाश का उपयोग करती है। ये दो तरह के होते हैं। पहला है टोपोग्राफिक या स्थलाकृतिक लिडार। इस तरह के लिडार तकनीक भूमि की मैपिंग के लिए नियर इंफ्रारेड लेजर का उपयोग करती है। और दूसरा है बैथीमेट्रिक लिडार। इसमें जल के भीतर की विशेषताओं की मैपिंग के लिए हरे प्रकाश का उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग आमतौर पर समुद्र नितल और नदी तल की गहराई को मापने के लिए किया जाता है। इस सिस्टम की कार्य प्रणाली को भी थोड़ा गहराई से समझते हैं। इसमें तीन मुख्य घटक शामिल हैं, लेजर एमिटर, स्कैनिंग प्रणाली और विशेष GPS रिसीवर। ये तकनीक रडार और सोनार तकनीकों के सिद्धांत पर ही कार्य करती है। इसका मतलब यह है कि रडार और सोनार की तरह लिडार तकनीक भी किसी ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करने और उसे ट्रैक करने के लिए ऊर्जा की तरंगें उत्सर्जित करती है। रडार तकनीक माइक्रोवेव का उपयोग करती है, वहीं सोनार या साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग तकनीक ध्वनि तरंगों का उपयोग करती है और लिडार तकनीक प्रकाश तरंगों का उपयोग करती है। इस सिस्टम का उपयोग कई अलग अलग तरह के क्षेत्रों में भी होता है, जैसे कि कृषि क्षेत्र में कृषि भूमि की लैंडस्केपिंग और स्थलाकृति को मापने के लिए, फसल के बायोमास का अनुमान लगाने के लिए और मृदा के गुणों का पता लगाने के लिए आदि। इसके अलावा एरोस्पेस और रक्षा क्षेत्रों में भी इसका उपयोग होता है। इलाकों की मैपिंग के लिए, टारगेट ट्रैकिंग, माइन हंटिंग और बादलों के माध्यम से इमेजिंग के लिए और युद्ध क्षेत्र के स्पष्ट विजुअलाइजेशन का उपयोग करके मिशन की योजना बनाने में आदि में उपयोग होता है। साथ ही ऑटोमोटिव क्षेत्र में भी इसे उपयोग किया जा सकता है। एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम यानी ADAS और ऑटोनॉमस वाहनों में सड़कों पर नेविगेट करने के लिए 3D लिडार मैप डेटा का उपयोग किया जाता है। इसके कुछ अन्य उपयोग भी हैं, जैसे कि मौसम पूर्वानुमान में वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी संबंधी उपयोगों हेतु आसपास की स्थिति की मैपिंग में आदि। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के अगली मुख्य खबर की तरफ। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव यानी GTRI ने भारत में वस्त्र एवं परिधानों के आयात में लगातार वृद्धि पर चिंता जताई है। खबर की शुरुआत करते हैं और भारतीय वस्त्र उद्योग के बारे में समझते हैं। भारत के वस्त्र उद्योग का वर्तमान मूल्य 250 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। यह क्षेत्र देश में 50 मिलियन लोगों को रोजगार प्रदान करता है। भारत वस्त्र उद्योग मूल्य श्रृंखला के सभी घटकों में हिस्सेदार है। वस्त्र एवं परिधान के वैश्विक व्यापार में योगदान की बात करें तो इसमें भारत की हिस्सेदारी लगभग 4.6% है। 2013 से 2023 के बीच भारत से परिधान निर्यात में केवल 4.6% वृद्धि दर्ज की गई है। इसी अवधि में वियतनाम से निर्यात में 81.6% और बांग्लादेश से निर्यात में 69.6% की वृद्धि दर्ज की गई थी। आगे बढ़ते हैं और भारत के वस्त्र उद्योग के समक्ष मौजूद प्रमुख चुनौतियां जानते हैं। पहली है जटिल निर्यात प्रक्रियाएं। विदेश व्यापार महानिदेशालय यानी DGFT और सीमा शुल्क की पुरानी एवं जटिल प्रक्रियाएं निर्यात में बाधा डालती हैं। दूसरी है कच्चे माल के आयात पर कई तरह के प्रतिबंध। पॉलिएस्टर और विस्कोस स्टेपल फाइबर जैसे कच्चे माल पर उच्च आयात शुल्क और अनिवार्य गुणवत्ता मानदंड इसके आयात को जटिल बनाते हैं। इससे भारत में तैयार वस्त्र एवं परिधान महंगे हो जाते हैं और विश्व में सस्ते उत्पादों के समक्ष कम प्रतिस्पर्धी हो जाते हैं। बुनाई एवं प्रोसेसिंग क्षेत्र का बेहतर विकास न होना भी एक चुनौती है। भारत में मुख्य रूप से लघु स्तर की और अनौपचारिक बुनाई एवं प्रोसेसिंग इकाइयां मौजूद हैं। ये नई तकनीकों का उपयोग नहीं कर पाती हैं। इसके विपरीत चीन में बड़ी औद्योगिक इकाइयों में वस्त्र एवं परिधान निर्मित किए जाते हैं। इस वजह से भारत में तैयार वस्त्र की लागत अधिक हो जाती है तथा इसकी गुणवत्ता भी कम हो जाती है। अगली है नए फैशन को तुरंत अपनाने में देरी।
फैशन में लगातार बदलाव होते रहते हैं। ये फैब्रिक और इनपुट खपत को बढ़ाते हैं तथा फैशन के पुराने मानदंड को अव्यवहारिक बना देते हैं। इस स्तर पर भी भारत में वस्त्र उद्योग पिछड़ा महसूस करता है। खबर के अंत में भारत के वस्त्र उद्योग को मजबूत करने के लिए आगे की राह समझ लेते हैं। वस्त्र क्षेत्र के लिए उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना में बदलाव की जरूरत है। वस्त्र उद्योग क्षेत्र को निवेशकों के लिए अधिक आकर्षक बनाने हेतु योजना में बदलाव की आवश्यकता है। कच्चे माल के आयात से संबंधित प्रक्रियाओं को सरल बनाना चाहिए। उदाहरण के लिए विदेश व्यापार निदेशालय यानी DGFT को इनपुट की वास्तविक खपत की बजाय मूल्य के आधार पर आयात एंटाइटलमेंट प्रदान करने चाहिए। बांग्लादेश में भी मूल्य के आधार पर एंटाइटलमेंट प्रदान किए जाते हैं। कानूनी फ्रेमवर्क को मजबूत बनाने की आवश्यकता है। अधिक सुरक्षित कारोबारी माहौल प्रदान करने के लिए अनुबंधों को लागू करना सुनिश्चित करना चाहिए। अन्य उपायों में सिंथेटिक परिधान उत्पादन को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। फैशन उद्योग में आते तेजी से बदलाव को अपनाने के लिए रणनीतियां बनाई जानी चाहिए आदि। इसी के साथ बढ़ते हैं आज की आखिरी मुख्य खबर की ओर। प्रधानमंत्री ने भारत मंडपम में विश्व धरोहर समिति WHC के 46वें वार्षिक सत्र का उद्घाटन किया। विश्व धरोहर समिति WHC यूनेस्को की एक समिति है। ये विश्व की धरोहरों से जुड़े सभी मामलों के प्रबंधन और विश्व धरोहर सूची में नए धरोहरों को शामिल किए जाने से संबंधित निर्णय लेने के लिए जिम्मेदार है। भारत पहली बार WHC के सत्र की मेजबानी कर रहा है। WHC के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, धरोहर केवल इतिहास नहीं है बल्कि मानवता की साझा चेतना भी है। इसी के चलते सबसे पहले इन धरोहरों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। यूनेस्को के अनुसार धरोहर अतीत से हमें प्राप्त हुई ऐसी विरासत है जिसके साथ हम आज भी रहते हैं और इसे हम भावी पीढ़ियों को सौंपते हैं। ये मूर्त जैसे स्मारक या अमूर्त जैसे गीत नृत्य आदि के रूप में हो सकती है। 1972 में यूनेस्को ने एक अंतरराष्ट्रीय संधि विश्व की सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक धरोहर के संरक्षण से संबंधित अभिसमय को अपनाया था। मानवता के लिए धरोहरों का महत्व काफी ज्यादा है। चलिए ऐसे में एक एक करके इनकी इंपॉर्टेंस को समझने का प्रयास करते हैं। पहला है सांस्कृतिक पहचान का संरक्षण। भरतनाट्यम कथक जैसे शास्त्रीय नृत्य हमारी सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करते हैं। इसके अलावा कहानियों रीति रिवाजों और अनुष्ठानों को भावी पीढ़ियों तक पहुंचाते हैं। दूसरा है मानव समाज को दिशा देना। इसे उदाहरण के तौर पर समझे तो एलोरा की गुफाएं बौद्ध धर्म हिंदू धर्म और जैन धर्म के प्रतीकों को एक साथ प्रदर्शित करती हैं। इस प्रकार ये गुफाएं भारत की सभ्यता में निहित सहिष्णुता की गहरी भावना को दर्शाती हैं। इस ओर तीसरा है वैज्ञानिक मूल्य। 8वीं शताब्दी का केदारनाथ मंदिर समुद्र तल से 3500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जबकि इतनी ऊंचाई पर किसी भी अवसंरचना का निर्माण करना वर्तमान समय में बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य है। चौथा है शैक्षिक महत्व। उत्तर प्रदेश के सिनोली से प्राप्त साक्ष्यों से पता चलता है कि भारत में 4000 साल पहले अश्वचालित रथों का इस्तेमाल किया जाता था। और पांचवा है स्थापत्य कला संबंधी प्रेरणा। हमारे पुराने संसद भवन का डिजाइन मध्य प्रदेश के 64 योगिनी मंदिर से प्रेरित था। ऐसे में खबर के आखिर में वैश्विक धरोहरों की सुरक्षा के लिए भारत द्वारा शुरू की गई पहलों पर भी एक नजर डाल लेते हैं। भारत यूनेस्को विश्व धरोहर केंद्र को क्षमता निर्माण तकनीकी सहायता और विश्व की धरोहरों के संरक्षण के लिए $1 मिलियन का योगदान देगा। भारत में युवा पेशेवरों के लिए विश्व धरोहर प्रबंधन में प्रशिक्षण प्रमाण पत्र कार्यक्रम भी शुरू किया जा रहा है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI ने कंबोडिया के अंगकोर वाट लाओस PDR में स्थित वट या वट फोऊ हिंदू मंदिर, म्यांमार के बागान में स्थित आनंद मंदिर आदि का जीर्णोद्धार किया है। भारत सरकार ने हृदय प्रसाद डिजिटल स्पेस में भारतीय धरोहर कार्यक्रम प्रोजेक्ट मौसम जैसी योजनाएं भी शुरू की हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हृदय विरासत शहर विकास एवं संवर्धन योजना है और प्रसाद तीर्थ यात्रा कायाकल्प और आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान पर राष्ट्रीय मिशन है। अब बढ़ते हैं हमारे अगले खास सेगमेंट सुर्खियों में रहे स्थल की तरफ। हमारा आज का स्थल है लाओस। इस देश की राजधानी है वियंतियान। हाल ही में लाओस में साइबर स्कैमिंग केंद्रों में फंसे 13 भारतीयों को बचाया गया है।
ऐसे में लाओस के बारे में जानकारी प्राप्त करना काफी जरूरी है। इस देश की भौगोलिक अवस्थिति की बात करें तो यह दक्षिण पूर्व एशिया का एकमात्र स्थल रुद्ध यानी लैंड लॉक्ड कंट्री है। इसके उत्तर में चीन, पूर्वोत्तर और पूर्व में वियतनाम, दक्षिण में कंबोडिया, पश्चिम में थाईलैंड और उत्तर पश्चिम में म्यांमार अवस्थित है। ये आसियान और क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक समझौता यानी RCEP समूहों का सदस्य है। वहीं इस देश की भौगोलिक विशेषताओं को देखें तो यहाँ की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। यहाँ की प्रमुख नदी मेकांग है। इस देश की राजधानी इसी नदी के किनारे पर स्थित है। यहाँ पाए जाने वाले प्रमुख खनिजों में सोना, तांबा, जस्ता, सीसा आदि शामिल है। यहाँ का प्रमुख पर्वत है एनामाइट रेंज और लुआंग प्रबांग रेंज, और सबसे ऊंची चोटी माउंट बिया है। बुलेटिन के आखिर में अब बढ़ते हैं आज की संक्षिप्त सुर्खियों की तरफ। हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग UPSC के अध्यक्ष ने अपने कार्यकाल को पूरा करने से पहले इस्तीफा दे दिया। आपको बता दें कि संविधान के अनुच्छेद 316 में UPSC के अध्यक्ष के बारे में प्रावधान किए गए हैं। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है। सुप्रीम कोर्ट ने गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1967 UAPA के तहत एक आरोपी को जमानत दी है। शीर्ष न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा कि आरोपी 9 साल से हिरासत में था और उस पर मुकदमा धीमी गति से चल रहा था, इसलिए जमानत दी जा सकती है। चीन और फिलीपींस ने दक्षिण चीन सागर में विवादित शोल द्वीप पर टकराव को समाप्त करने के लिए एक समझौता किया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह द्वीप चीन की कथित 9-डैश लाइन के भीतर स्थित है। इस लाइन के भीतर के सभी क्षेत्रों पर चीन अपना दावा करता है। 9-डैश लाइन दक्षिण चीन सागर में विवादित क्षेत्रों को एक पक्षीय रूप से अपना क्षेत्र घोषित करने हेतु चीनी आधिकारिक मानचित्रों पर दर्शाई गई लाइन है। आक्रामक प्रजाति जेब्रा मसल पहली बार संयुक्त राज्य अमेरिका की कोलोराडो नदी में पाई गई है। जेब्रा मसल नाखून के आकार का मोलस्क है। ये कैस्पियन सागर और काला सागर की मूल यानी नेटिव प्रजाति है। यह संभवतः 1980 के दशक में बैलिस्ट वाटर के जरिए ग्रेट लेक्स में पहुंच गई थी। जेब्रा मसल धीमे अपवाह वाली नदियां, नहरें, झीलें, पानी के पाइप आदि में पाए जाते हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण भारत के उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करने के लिए एक नई स्टडी में रिप्रेजेंटेटिव कंसंट्रेशन पाथवे का उपयोग किया गया। इस स्टडी के अनुसार बेल यानी वुड एप्पल और बहेड़ा जैसे गैर काष्ठ वन उत्पादों का प्रसार होगा, जबकि चिरौंजी, महुआ और आंवला जैसी प्रजातियों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। सरकार ने बच्चों के टीकाकरण के लिए एक नया ऑनलाइन टीकाकरण पोर्टल यूविन लॉन्च किया है। ये कोविन नामक ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म पोर्टल के समान ही है। यूविन सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं और 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए प्रत्येक टीकाकरण कार्यक्रम को रिकॉर्ड करने का काम करता है। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA ने शूद्र ग्रह एपोफिस का अध्ययन करने के लिए रैपिड एपोफिस मिशन फॉर स्पेस सेफ्टी यानी RAMSES रैमसेस मिशन की घोषणा की है। शूद्र ग्रह एपोफिस नियर अर्थ ऑब्जेक्ट है। इसके अप्रैल 2029 तक पृथ्वी की सतह से लगभग 19,794 मील की दूरी से गुजरने की संभावना है। भारत छात्रों की 6 सदस्यीय टीम ने अंतर्राष्ट्रीय गणितीय ओलंपियाड IMO 2024 में 4 स्वर्ण पदक, 1 रजत पदक और 1 ऑनरेबल मेंशन हासिल किया है। भारत ने पहली बार इस ओलंपियाड में 1989 में भाग लिया था। तब से लेकर अब तक का यह सर्वोत्कृष्ट प्रदर्शन है। अंतर्राष्ट्रीय गणितीय ओलंपियाड हाई स्कूल के छात्रों के लिए गणित विषय पर वैश्विक स्तर पर आयोजित की जाने वाली चैंपियनशिप प्रतियोगिता है। ये प्रतियोगिता हर साल एक अलग देश में आयोजित की जाती है। जाने से पहले आपकी समझ की परीक्षा के लिए डालते हैं एक नजर हमारे स्पेशल सेगमेंट प्रश्नोत्तरी पर।
हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है न्यूज़ टुडे का यह बुलेटिन आपको पसंद आया होगा। न्यूज़ टुडे की PDF को डाउनलोड करने के लिए और आज की क्विज के उत्तर के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर क्लिक कीजिए।